अगर आप भी फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो यह जानना बहुत ही जरूरी रहता है कि फेसबुक पेज पर कितने फॉलोवर्स होने पर हमारा पेज मोनेटाइज होता है, यानी फेसबुक पेज पर कितने फॉलोवर्स होने चाहिए उसके बाद हमारा फेसबुक पेज मोनेटाइज होता है। अगर आप भी फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज से पैसा कमाने के लिए क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है या कितने फॉलोवर्स कितना आवर का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो शुरू से बता दूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, फेसबुक से हर कोई पैसा कमाना चाहता है लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी बहुत सारे लोगों में बहुत डाउट आते हैं यूट्यूब से या फेसबुक से पैसे कमाने की बात आती है। तो यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए तो हमें 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 व्यूअर का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन इसी बीच फेसबुक से पैसे कमाने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ता है। यह तो सभी लोगों को पता है कि पेज क्रिएट करने के बाद हमें कुछ क्राइटेरिया, उस पर जो वीडियो जो शॉर्ट आप जो भी अपलोड करना चाहो अपलोड कर सकते हो, लेकिन उस पर कुछ क्राइटेरिया हमें कंप्लीट करना पड़ता है जिसके बाद हमारा पेज मोनेटाइजेशन होता है, यानी पेज का मोनेटाइजेशन ऑन होता है, यानी उस पर अर्निंग स्टार्ट होती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मैं यहाँ एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप भी फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको करना पड़ता है 10,000 फॉलोवर्स कंप्लीट। यानी अगर आपका फॉलोवर्स का डाउट रहा है तो यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको फेसबुक से पैसे कमाने के लिए 10,000 फॉलोवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और 30,000 मिनट का वॉच टाइम, 10,000 फॉलोवर्स और 30,000 मिनट का वॉच टाइम। यानी आप जो भी वीडियो या शॉर्ट अपलोड कर रहे हो 60 दिन के अंदर अंदर यानी 2 महीने के अंदर अंदर उन वीडियोज पर, टोटल वीडियोज पर जितनी वीडियो आपने अपलोड कर रखी है, चाहे 10 है, 100 है, 5 है, 1 है, उन पर कितने भी व्यूज है कोई मतलब नहीं, लेकिन उन सारी वीडियोज को मिलाकर 30,000 मिनट का, यानी आपकी वीडियोस पर 30,000 मिनट का वाच हो, किसी ने आपकी वीडियो को देखा होना चाहिए, यानी कितनी भी ऑडियंस ने आपकी वीडियो को वाच किया होना चाहिए, कितनी भी वीडियो के आपको, कितनी भी ऑडियंस आपको 60 दिन के अंदर अंदर वाच की होनी चाहिए कि आपकी वीडियो पर 30,000 मिनट का वाच टाइम कंप्लीट हो। अगर आपका 60 दिन के अंदर अंदर 10,000 फॉलोअर्स और 30,000 मिनट का वॉच टाइम अगर आप इसमें हॉर्स में कन्वर्ट करते हो तो लगभग 500 घंटे होते हैं। अगर आपने 500 घंटे और 10,000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए तो आपका फेसबुक पेज जो है मोनेटाइज हो जाता है और फेसबुक से पैसे कमा सकते हो। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेसबुक से पैसा कैसे आता है। तो पैसा आप यूट्यूब की तरह ही आता है, आपको उसमें बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस लगता है, फेसबुक पेज पर आपका कुछ प्रोसेस लगता है। अगर फेसबुक से आप पैसे निकालना चाहते हो तो आपको फेसबुक पर भी $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं, यानी आपकी वीडियोस पर जो भी आप अर्निंग कर रहे हो वीडियो से शॉर्ट से, आपको $100 मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आपकी जो आप अपलोड कर रहे हो उनसे आपकी वीडियोस पर आपके फेसबुक पेज पर $100 कंप्लीट होने चाहिए। $100 कंप्लीट नहीं करते आप, अर्निंग $100 की नहीं करते तब तक आप अपने पैसे बाहर नहीं निकाल सकते फेसबुक से। और अगर हम बात करें कि फेसबुक पर पैसा किस चीज का मिलता है तो मैं बता दूं, फेसबुक पर पैसा मिलता है आपको उस वीडियोस पर ऐड आती है, यानी अब फेसबुक पर भी आप वीडियोस किसी की क्लिक करते हो तो उस पर बीच में या जब आप क्लिक करते हो देखते हो उसमें ऐड आती है, तो उसी तरह उस ऐड का ही आपको पैसा मिलता है। कोई आपकी वीडियो देख रहा है उस पर ऐड आ रही है, उसी चीज का आपको पैसा मिलेगा फेसबुक पर, और पैसा मिलेगा और पैसे मिलते मिलते आपकी जितने डॉलर $100 पहली बार $100 आपने कंप्लीट कर लिए तो आप वहां अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो और आप $100 अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक से पैसे कमाने के लिए कितने फॉलोवर्स पर हमारा चैनल या पेज मोनेटाइज होता है। तो 10,000 फॉलोवर्स और 30,000 मिनट का वॉच टाइम यानी लगभग 500 आवर का वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।